है तो जिल्लत आएगी तो कहां से आएगी? तो कहते हैं इसने जलील कर दिया, ये कैसे कर सकता है अगर अल्लाह ने चाहे तो जाहिर यहां से हो गया, जाहिर यहां से कर दिया, अगर जमीन से गल्ला हो गया तो जमीन से कहां था? अभी इनकार कर रहा था जमीन से गल्ला हो रहा है। तो इकरार की दलील क्या है? इकरार तो कर लिया, इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है, एक लोहार था अब्दुल्ला इब्न मुबारक या किसी और का भी होगा, वो लोहे लोहे का काम करता था, आग में पट्टी आग लोहे को खूब जलाना, फिर लाल सुरख करना, फिर उसकी पिटाई करके औजार बना लेना, ये उसका काम था सालना वाला, जानता था अल्लाह को, अल्लाह को जानता था। अब जब हथौड़ा औजार लोहा सुरख हो जाता है ना, जब अब उसके ऊपर हथौड़ा मारे मारना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर नहीं मारा हथौड़ा तो वो फिर ठंडा हो जाएगा, फिर उसको नहीं गर्म करो दोबारा तो खर्चे भी बढ़ जाता है, आग अब फिर कोहत भी बढ़ जाती है, वक्त भी बढ़ जाता है, हर चीज बढ़ जाती है। लेकिन लोहार का ये मामूल था, ये मामूल था, पीट रहा लोहा, उधर से अजान अजान की आवाज है कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बस अजान की आवाज सुनी थी, अगर हथौड़ा यहां तो यही छोड़ दे, फिर वो जर्ब उसमें मारता नहीं था कि चलो ये वाला जर्ब को मार दो, हाथ यहां तक हथौड़ा पहुंच गया है कि नहीं, ये बंदा की पुकार आ गई है, अल्लाह ने बुला लिया है, इनका तो मैं इनकार कर चुका हूं कुदरत के मुकाबले में, वहीं छोड़ देते। एक दफा उससे ऐसा हो गया कि लोहा बहुत ही गर्म था, अब बिल्कुल आखिरी चोट मारनी थी, उससे वो बार तैयार हो जाता, उधर अजान की आवाज आ गई तो वो आखिरी चोट भी मारी थी उसने, हो जाता इंसान है ना, अल्लाह को समझाना भी होता है, इनके जरिए अल्लाह सारी इंसानियत को समझा देते हैं, चोट मारी फिर चला गया वजू करने के लिए, कुएं से पानी निकाला, अब जो उसने डोल डाला तो डोल भारी ना हो, इतना बदनी हो गया खिंच नहीं रहा, खैर बड़ी मुश्किल से निकाला डोल को, तो डोल में पानी के बजाय हीरे जवाहरात भरे हुए थे, अब परेशान हो गए, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, या अल्लाह मुझे ये नहीं चाहिए, या अल्लाह मुझे पानी चाहिए, तो गैर से आवाज आई जिसके लिए चोट मारी थी ले लो, जिसके लिए हथौड़ा हमेशा छोड़ देते थे, इस दफा नहीं छोड़ा तो ले लो, तुम्हारे पास है नहीं कलमा, कलमा उतरा नहीं है, दुकान पे बैठे हुए अल्लाह अकबर अजान हो गई 20 मिनट, 10-15 मिनट, 10 मिनट, 2-5 मिनट, ग्राहक आया आखिरी मिनट में, अब ग्राहक से बात कर रहे हैं कि पहली रकात तकबीर तहरीमा, पहली रकात, दूसरी रकात, तीसरी रकात, ग्राहक चल रहा है, ग्राहक चल रहा है, लाई जाए डंडा पड़ा हुआ है, ये दलील है, ये लाई जाए डंडा की दलील है, ये अब्दियत की, हम तो मस्जिद में अल्लाह में माफ करें तो मस्जिद में खड़े हो तकबीर तहरीमा और तकबीर उल्लाह छोड़ देते, मस्जिद में, इसलिए कि इसकी कीमत का पता नहीं है, पहली यानी तकबीर तहरीमा और तकबीर उल्लाह की कीमत का पता नहीं है कि सारी दुनिया मिलकर भी इस तकबीर उल्लाह की कीमत नहीं दे सकती, तो ये दलील है कि मार्फत नहीं आई है, और ये दलील है सब छोड़ के, सब कुछ छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अजान हो रहे, ओहो
ایسے چاہنے والے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیسے چاہنے والے تھے؟ جب اذان ہو جائے تو سب کچھ بھول جاتے تھے، اذان ہو جائے عائشہ رضی اللہ سامنے نہیں، کون ہو تم؟ عائشہ رضی اللہ کون؟ کہ عائشہ ہے، کون عائشہ؟ کہ صدیق کی بیٹی، کی کون صدیق؟ یہاں تو آلو ٹماٹر کے چکر میں نماز چلی جائے، تو معرفت، انکار ہر بنی ہوئی چیز کا قدرت کے مقابلے میں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی محنت پہلی دعوت ہی ہوتی ہے، یہ دعوت پہلی ہے، یہ بنیاد ہے دین کی، عمارت ایمان کی بنیاد پر تیار ہوتی ہے، بنیاد پکی ہو، لا الہ الا اللہ بھی دل میں اتر جائے، محمد الرسول اللہ بھی دل میں اتر جائے، یہ ایسے نہیں اتر جائے، ایسے نہیں اترے گا، یہ نہ جانے دن میں کتنی دفعہ، دن میں 25-30 دفعہ تو یہ کہنا ہوگا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی کے گزارنے کے طریقے دے کر آئے ہیں، انہی طریقوں میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اس کے علاوہ کہیں کامیابی نہیں، اس لیے کہ پہلے مخلوق کی ناپاک، مخلوق کے یقین کی ناپالی ناپاکی کو دل سے نکالنا ہوگا اللہ سے لینے کے لیے، اللہ پاک سے براہ راست استفادہ اٹھانے کے لیے، براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکالنا شرط ہے۔